लेते हैं तो यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। तो यहाँ आप देख क्लोज सकते हैं, करेंगे ये आप देख पा रहे हैं, योर अकाउंट हैज़ बीन दोस्तों सक्सेसफुली आज क्लोज। की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपने पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं परमानेंट। जी हाँ, हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये रहती है कि यदि हम अपने पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर देते हैं तो क्या फिर से बना सकते हैं कभी? जी बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन आपका अभी केवाईसी अगर है, ठीक है, मिनी केवाईसी है, तो वह आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आपको फिर से कराना होगा मिनी केवाईसी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, न्यू आप बना सकते हैं फिर से। ठीक है, तो आपको सिंपल से इस वीडियो में बताऊंगा आप किस तरीके से पेटीएम अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सीधा अपने पेटीएम पे क्लिक करना होगा। पेटीएम पे इस तरीके से जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो भी पैटर्न डाल रखे होंगे स्क्रीन पे, वो आपको इस तरीके से लगा देना होगा, यानी कि डाल देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही। ठीक है, यहाँ पे लोगो होगा, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पे टैप करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे एक काम पहले कर लेना होगा। यहाँ पे आपको अपने वॉलेट में जो भी रुपए हों वो आपको अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लेने होंगे, और आपकी जो बैंक अकाउंट लगा होगा उसे आपको रिमूव कर देना होगा, हटा देना होगा। ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पेटीएम के अंदर, डिलीट होगा तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, आप अपने वॉलेट में रुपये होंगे जो वो हटा दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम वॉलेट में जाके, और यहाँ पे केवाईसी होगी वो भी आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, आपकी बैंक है वो भी आपको हटा देनी होगी, तभी आपको ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप बिल्कुल नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको व्यू ऑल सर्विस, इसी पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रोफाइल सेटिंग, प्रोफाइल सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होगा चैट विद अस, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये देखो, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे होगा आई वॉन्ट टू क्लोज या डिलीट माई अकाउंट, दूसरे नंबर पे, इस पर हम क्लिक करते हैं। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं, ये देखो, यहाँ मैसेज आएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आने देना है। ठीक है, इस तरीके से अब आपको सिंपल से यहाँ लिखा है क्लोज अकाउंट, बस इसी पर हम क्लिक करेंगे। अब हम चलो यहाँ पेटीएम को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पेटीएम को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, देख लेते हैं, तो यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से, तो यहाँ हम क्लोज करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्लोज। ठीक है, ये आपका अकाउंट यहाँ से हट चुका है, परमानेंट डिलीट हो चुका है। ठीक है।